बड़ी खबर मिल रही है उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको याद होगा 30,000 कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था कुछ दिन पहले। आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी सजा दी जाएगी, उस पर बहस थी। सजा का ऐलान कर दिया गया है। उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही आपको यह भी बता दूं, उम्र कैद तो है ही, 25,00,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर 30,000 कोर्ट से मिल रही है। 2017 का बहुचर्चित उन्नाव रेप केस, जिसमें बीजेपी से निष्कासित एमएलए कुलदीप सेंगर को लाइफ इंप्रिजनमेंट, जी हां, उम्र कैद की सजा दिल्ली की 30,000 कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला हुआ था, गैंगरेप, उसके बाद धमकाने के आरोप उन पर लगे थे। हालांकि वो सब कुछ आरोप साबित भी हुए हैं, दोषी वो करार दिए गए। निवृत्ति मोहन का रुख करते हैं, ज्यादा डिटेल्स उनके पास हैं। निवृत्ति, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, बताइए। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कुलदीप सेंगर को। जी बिल्कुल, आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस में, और जिस पर कि उनको कन्विक्ट कर दिया गया था पिछली सुनवाई के दौरान, सेक्शन 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया था। तो आज जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वो सजा को लेकर और कॉम्पनसेशन को लेकर पूरी बहस हुई थी, और उसमें ये बताया गया कि उनको फिलहाल लाइफ इंप्रिजनमेंट तो हुई ही है, साथ ही उनको फाइन भी लगाया गया है, कॉम्पनसेशन उनसे रिकवर किया गया है। जो फाइन लगाया गया वो 25,00,000 रुपए का है, जिसमें से 10,00,000 विक्टिम को दिया जाना है और 15,00,000 प्रोसिक्यूशन को उनको देना होगा, और ये फाइन उनसे एक महीने के अंदर उनको देना होगा, और अगर वो फेल होते हैं इसको देने में तो उनसे रिकवर किया जाएगा। ये आज का जजमेंट है, और इस जजमेंट को आज 30,000 कोर्ट ने सुनाया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, आप ये बताइए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मरते दम तक, ये क्लैरिटी अभी होना बाकी है। हालांकि इस पर आज बहस हुई थी, ऑटो कॉपी आते ही हम ये अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस पर आज बहस हो रही थी। जो प्रोसिक्यूशन का क्या हुआ? अब ये क्योंकि कन्विक्ट हैं तो वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कन्विक्ट हैं और चले जाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे तो अपने आप, जहां तक तो विधायक शाह अब इनके नाम के आगे से हटा दिया जाए या इसे पूर्व विधायक बना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब इनको विधायक तो नहीं रहेंगे क्योंकि अब कन्विक्ट कर दिया गया है इनको और सजा भी सुना दी गई है। क्या कुछ दलीलें इनके वकील द्वारा दी गई, हालांकि उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से पूरी खबर बता देती हूँ। कुलदीप सेंगर जो दोषी पाए गए थे पिछली सुनवाई के दौरान, उन्हें उम्र कैद की, जी हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है, साथ ही उन पर 25,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। क्या इनको मरते दम तक जेल में ही रहना होगा, इसे लेकर, क्योंकि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर एग्जैक्टली मतलब क्या है इस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उसको लेकर भले ही क्लैरिटी ना हो, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा, उम्र कैद की सजा और साथ ही 25,00,000 का जुर्माना और कन्विक्ट होने के साथ ही विधायकी भी खत्म। और क्या कुछ कहा गया जजेस की तरफ से, निवृत्ति मोहन? देखिए, जब कन्विक्शन हुआ था तो पहले तो मैं बताऊं कुछ, सेक्शन 370 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी इन पे पहले चार्जशीट में लगा था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ किडनैपिंग के चार्जेस लगे थे, ये दोनों चार्जेस हट गए थे, और जिसके तहत कन्विक्शन हुआ था वो थे 376 आईपीसी और सेक्शन 56 पॉक्सो एक्ट के तहत इनको कन्विक्ट किया गया था। और जो इसमें को एक्यूज एक थी शशि सिंह, उनको हालांकि एक्विट कर दिया गया था, कोर्ट ने कहा था कि ये प्रूव नहीं हो पाया कि इस शशि सिंह ने किसी तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या किडनैपिंग में उनका साथ दिया है, ये साबित नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, इसलिए उनको एक्विट कर दिया गया था। अच्छा, तो इसके बाद जो ट्रायल हुआ उसके दौरान ये जरूर कहा गया कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ये साबित हो जाता है, और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब ये असॉल्ट हुआ था उस वक्त जो विक्टिम थी वो माइनर थी। अच्छा, लाइफ इंप्रिजनमेंट की जो सजा है इसको लेकर और कब तक क्लैरिटी मिलेगी कि ये फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, जो जितना भी जीवन काल उनका बचा है उसके लिए है, इस पर कब तक क्लैरिटी हमें मिल पाएगी? जी बस अभी हम ऑटो कॉपी का इंतजार ही कर रहे हैं, इसी वक्त अभी कुछ ही समय पहले, 2-3 मिनट पहले ही ये जजमेंट आया है,
और ऑर्डर कॉपी लेने वाले हैं हम, और इसके बाद क्लैरिटी होगी। हालांकि इस पर आज पूरी बहस हुई है, जो सेंटेंसिंग पे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो इस पर आज दोनों पक्षों के बीच में बहस हुई है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को किस तरीके से देखेंगे, क्या ये रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए है या फिर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पीरियड रहता है उसके लिए उतना है। लेकिन अभी जैसी ऑर्डर कॉपी आती है इस पर क्लैरिटी आ जाएगी, या फिर कुछ एक्सपर्ट से हम अभी बात करेंगे जहाँ जज साहब से बात की जा सकती है, तो उसके बाद क्लैरिटी के साथ आपको बताया जा सकता है। इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट था ना, ये इस लिहाज से भी बड़ा जजमेंट है क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, जनप्रतिनिधि थे, लोगों का भरोसा था और उस भरोसे को तोड़ दिया, जनता के भरोसे को तोड़ दिया, परिवार को डराने में, परिवार को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जज साहब ने ये कहा भी है अपनी जजमेंट के दौरान कि देयर वाज अ बिट्रेयल ऑफ फेथ, कि आपने लोगों के विश्वास को तोड़ा है, ये अपने ऑर्डर में लिखवाया है जज साहब ने। और ये भी उन्होंने कहा कि सारे कोर्सिव मेजर्स जो थे, जो वो अपना सकते थे विक्टिम के अगेंस्ट या विक्टिम की फैमिली के अगेंस्ट उनको दबाने के लिए, वो आपने अपनाए हैं। और क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो एक तरीके से और आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपने लोगों के फेथ को जो है वो उसको धोखा दिया है, ये अपनी जजमेंट में लिखा गया है। और जज साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है, इससे पहले कि उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, उन्होंने इस बात को निश्चित तौर पर अहमियत दी है कि वो एक ऐसी पोजीशन पे थे जहां लोग उनको लेकर गए, जहां तक लोगों ने लोगों के वोट ने उनको पहुंचाया, और उन्होंने उसका जो इस्तेमाल है उस पोजीशन का इस्तेमाल नहीं बल्कि उसको बिट्रे किया, उस पोजीशन को बिट्रे किया।